हेलो फ्रेंड्स, होप आपको आज का हमारा एनालिसिस पसंद आया रहेगा और आपको पता चला होगा कि कुछ डेफिनेटली ऐसे पॉइंट्स रहते हैं जहां पे मार्केट बहुत फास्ट मूव होता है ऊपर या नीचे की तरफ, और हमें क्या करना है कि ऐसे पॉइंट्स पे आइडेंटिफाई करना है कि ब्रेकआउट होगा, ब्रेकडाउन होगा, फेलियर होगा, रिजेक्शन होगा, ताकि हम बहुत छोटा स्टॉप लॉस कमा के बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। और ऐसे जो पॉइंट्स है वहीं पे बड़ी मूव आती है, और वहीं पे आप देखोगे तो सिर्फ 15 या 20 मिनट का खेल होता है और बहुत बहुत बड़ा प्रॉफिट बन जाता है। अगर हमने ऐसा नहीं किया और दिन भर ट्रेड करते बैठे, तो आज आपने देखा रहेगा सुबह को कि ट्राई कर रहे हैं, थोड़ी सी मूव मिल जाए, थोड़ी सी मूव मिल जाए, बट कुछ बनता ही नहीं है। प्रॉब्लम किस में है? तो प्रॉब्लम हम में है, क्योंकि हम सही पॉइंट्स पे ट्रेड नहीं करते हैं। और यही और कुछ मैं एनालिसिस आपको दिखाने वाला हूँ आज अपने ये लाइव सेशन में। और जो नहीं जानते हैं, मेरा नाम तुषार गोने है, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। हर शाम मैं आता हूँ अपना निफ्टी, बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके। एंड दोज हु वॉन्ट टू अटेंड फ्री बोलिंजर बैंड का वेबिनार, जहाँ पे हम अच्छा खासा स्विंग ट्रेडिंग का बहुत डिटेल में एनालिसिस कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है वो वहाँ पे ऐप इंस्टॉल करना है। और ऐप इंस्टॉल करते ही आपको फ्री बॉलिंजर वेबिनार दिखेगा उसमें, तो आपको क्या करना है, वहाँ पे जाके सीट बुक करना है। एंड विद दिस लेट अस क्विकली स्टार्ट। और बहुत सारे इंट्राडे एनालिसिस के लिए आप क्या करोगे, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे। फ्री कोर्सेज के लिए आप क्या करोगे, तो तुषार गोने ऐप इंस्टॉल करोगे। सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। एंड विद दिस लेट अस स्टार्ट क्विकली विद सम वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट फाइंडिंग्स आने वाले दिनों में मार्केट क्या लगता है। सो यहाँ पे मैं आपको क्या बता सकता हूँ मार्केट के बारे में, तो सबसे पहले मैं आपको क्या करूँगा, क्योंकि मैंने ये थोड़ा सा लाइव आने के पहले एनालाइज किया था, तो इसके लिए अगर आप देखोगे मेरा ये चार्ट ओपन है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आप थोड़ा सा देख लो और ये चीज़ को आप समझो। नीचे गिरा, थोड़ा सा ऊपर आया, नीचे गिरा, बहुत ज़्यादा ऊपर आया, बट यहाँ पे आप सपोर्ट लेके बहुत अच्छी तरीके से बाउंस बैक किया। ओके, और ऐसे कंडीशन में होता क्या है कि नॉर्मली आप देखोगे तो ये लेवल तक मार्केट पहुंचता है। ओके, नॉर्मली ये लेवल तक मार्केट आराम से पहुंचता है और फिर इसके ऊपर भी चला जाता है, फिर और साइडवेज और ऐसे 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 फिर ऊपर जाता है। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि एक तो हमें पता चला कि 16,800 तक मार्केट आ सकता है। ओके, बट हमें ये जस्ट एक व्यू है, ये बेसिस पे हमें ट्रेडिंग नहीं करना है, ये बेसिस पे तो बिल्कुल ट्रेडिंग नहीं बनती है। हमें लगता है कि डेली में ज़्यादा से ज़्यादा कितना बन सकता है मार्केट का, तो ये जो पॉइंट है ना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, कितना बन सकता है, 16,300। तो बस इतना ही हमें पता चला, दो इम्पॉर्टेंट लेवल्स पता चले, 16,800 जो कि बहुत क्रूशियल है और मार्केट के लिए मेक और ब्रेक है, क्योंकि यहाँ से थोड़ा ऊपर जाके अगर नीचे आया तो मैं कहूँगा अच्छा है, बट बहुत ज़्यादा रिजेक्शन मिला और फेलियर आ गया तो वापस नीचे जाएगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है 16,800, जो हम अगले हफ्ते आने का इंतज़ार करेंगे। और मीन टाइम हमें दूसरी चीज़ क्या पता चली कि 16,300 भी यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, जो कि आप देखोगे 2-3 दिन में आना पॉसिबल है। तो ये हो गई एक चीज़। अब और हम क्या यहाँ पे देखेंगे, तो फिलहाल डेली में और कुछ नहीं देखेंगे, हम आवरली में देखने को चले जाएंगे। आवरली में अगर आप देखोगे तो क्या हुआ है, ये देखो आप, एक चैनल है। ओके, दिस इज़ अ वेरी गुड चैनल, यहाँ पे इट हैज़ ऑलवेज रिस्पेक्टेड दिस चैनल। ओके, और अब हो क्या रहा है ये भी आप देख लो, हम ये चैनल के ऊपर के हिस्से पे है। ओके, ऊपर के हिस्से पे है, यहाँ ऑलमोस्ट हमने चैनल को आज टच कर लिया था। ओके, यहाँ ऑलमोस्ट हमने चैनल को टच कर लिया था, ये वाला थोड़ा सा ये ऐसा है चैनल। ओके,
और रिजेक्शन मिल गया था, बट आप देखोगे रिजेक्शन के बाद ये कुछ ऐसे जाके गिरा नहीं, झट से ऊपर आ गया। तो बहुत ही हाई चांसेस है कि यहाँ तक मार्केट जा सकता है, जो कि कल का ही हमारा फिगर है 16,148। ओके, और मोस्टली हो क्या सकता है, अगर इसके ऊपर ओपन हुआ ना, इसके ऊपर ओपन हुआ तो कौन से लेवल्स मार्केट को ये करने हैं, 16,289। ओके, और नेक्स्ट बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत बड़ा लेवल है जो कि है 16,500। ये फिर भी मैं कहूँगा कल के दिन के लेवल्स नहीं है, ये 2 या 3 दिन के लेवल्स है, क्योंकि कल जैसे हमने कहा था कि 16,300 दिख रहा है, बट ये कल के दिन के लेवल्स नहीं है। कल के दिन के लेवल्स अगर हमें देखने हैं तो हम कहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमें क्या जाननी है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस तरीके से अब मार्केट में अगर कुछ मूव आई, देखो अभी भी ये मूव है राइट, बट इसको प्रॉपरली मार्केट ने काउंटर नहीं किया है, ये थोड़ा सा आपको समझना है। गैप अप हो गया, बाद में रेड हो गया, वापस नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, ये नहीं चाहिए हमें। ओके, हमें किस तरीके से चाहिए, तो हमें चाहिए कि यहाँ से ऊपर चला गया, नीचे आया, ऊपर चला गया, और अब क्या चाहिए कि आप देखोगे ना, इसके नीचे सॉरी इसके ऊपर 16,148 के ऊपर हमें कोई भी ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल इस तरीके से नहीं चाहिए। दिस इज़ द वर्स्ट थिंग विच वी कैन हैव, कोई भी रेड कैंडल नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी रेड कैंडल आती है, रिजेक्शन होता है, वापस नीचे आता है एंड ऑल दिस थिंग्स। तो अब हमें कल क्या चाहिए कि 16,148 के ऊपर मार्केट खुले और कहाँ तक जाए, 16,148 के बाद मार्केट कहाँ तक जाए, तो यहाँ पे अगर आवरली चार्ट में दिख रहे आप देखोगे तो ये पॉसिबल है। तो 16,148 से 16,300 के आसपास मार्केट जाए। ओके, 16,148 के ऊपर नो रेड कैंडल्स, और जैसे ही 15 मिनट्स में बड़ी बड़ी कैंडल्स फॉर्म होगी, मैक्सिमम लेवल कहाँ तक जा सकता है, तो आप देखोगे ये वाला पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट क्या है, 16,300 के आसपास। तो ये हमारा आवरली का व्यू है 16,300। और मैं यहाँ पे आपको क्या बता सकता हूँ, क्या मैं आपको और कुछ बता सकता हूँ, तो आइए देखते हैं। यस, मैं आपको ये और भी बता सकता हूँ कि आज अच्छी तरीके से मार्केट ने डे हाई बना तो दिया, बट डे हाई को सुस्टेन नहीं कर पाया, या वहाँ पे कुछ अच्छा खासा चेंज नहीं आया, तो मैं कहूँगा अभी भी मार्केट चैनल में है। तो इसका मतलब क्या है कि अब ये लेवल पे सुस्टेन होना, ओके, यहाँ पे ये लाइन पे, ये लाइन कौन सी है, थोड़ा सा लेवल्स में ये है, मैं एक एंड में पूरी चीज समराइज करूंगा, थोड़ा सा आप रुक जाना। या ये वाले पॉइंट के ऊपर, ये कौन सी, ये 16,180 का पॉइंट है एक्चुअली, दिस इज नॉट 16,148। ये कंसेप्ट को आप समझो, ये पॉइंट के ऊपर जाना चाहिए मार्केट, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक आना चाहिए जो कि ये लेवल्स है, और वहाँ से ऊपर जाना चाहिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर ऐसे नहीं हुआ तो क्या होगा, मोस्टली मार्केट वापस कौन से लेवल तक आ जाएगा, 16,028 तक। तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कल मार्केट ये जोन में ओपन होना चाहिए, और यही जोन को पकड़ के ऊपर जाना चाहिए। ये लेवल कौन सा है, मैं वापस समराइज कर देता हूँ, 16,172 है, बट मैं 16,175, ओके, प्रॉपर ग्रीन कैंडल क्लोजिंग राइट, उसके बाद में कहाँ तक जाने के चांसेस है, 16,280,
एग्जैक्टली लेट मी 16 to 80, ओके 16 to 80 का टारगेट बनता है, ओके और प्रोवाइडेड वापस ये जोन में नहीं आना चाहिए, ये जोन कौन सा है तो मैं कहूँगा 16144 के जोन में नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, 16145 का स्टॉप लॉस एंट्री टारगेट, ओके। और हम किस बात से डर रहे हैं यहाँ पे, ये भी आप देख लो हम किस बात से डर रहे हैं। तो हम इस बात से डर रहे हैं कि गैप अप हो गया रेड कैंडल, बाद में ये हाई के ऊपर जा ही नहीं रहा और धीरे 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 नीचे आ गया। तो ये हमें बिल्कुल भी ऐसी चीज़ नहीं चाहिए। हमें कौन सी चीज़ चाहिए तो मैं ये भी आपको बताता हूँ, हमें कुछ इस तरीके से चाहिए, ओके। गैप अप हो गया ग्रीन और ये कंटिन्यूशन रिजेक्शन कंटिन्यूशन कंटिन्यूशन ऊपर, हमें कौन सी नहीं चाहिए। कल बहुत ये मॉर्निंग ट्रेड ही है क्योंकि आफ्टरनून ट्रेड विद इन द डे ट्रेड मैं अलग से एनालिसिस करके बताऊंगा, जैसे आज किया था। हमें कौन सी चीज़ से बचना है, ये चीज़ से बचना है। हमें कौन सी चीज़ चाहिए 16175 के आसपास, दिमाग में बिठा लो कि हमें ऐसा कुछ चाहिए, ओके। और क्या मैं बता सकता हूँ कि पुट के बारे में कब सोचना है, क्योंकि आप बोलोगे आप बहुत बुलिश थे बहुत बुलिश थे, नहीं ऐसा नहीं है। ये चैनल के ऊपर ही और 16175 के ऊपर ही बुलिश हूँ। पुट के बारे में कब सोचना है तो बट ऑब्वियस आज का जहाँ पे रिजेक्शन मिला था ये वाला पॉइंट, ओके ये वापस मैं बड़ा करके दिखाता हूँ, ये वाले पॉइंट के नीचे जहाँ पे आज रिजेक्शन मिला था 16048 के बाद ही मुझे पुट के बारे में सोचना है। और जब भी ही 16048 के पास चला जाता है तो मैं क्या करूँगा, मैं उसको ट्रेड करूँगा 16010 का पहला टारगेट, और 15928 भी जा सकता है, ओके कभी जब इसके नीचे चला जाए, ओके। और सेफ्टी साइड मैं क्या बोल रहा हूँ, कौन सा टारगेट रखना है आपको, 16048 के नीचे 16010 आ सकता है, और यहाँ पे आपको पुट के बारे में सोचना है, और 15928 भी आ सकता है। सेकेंड टारगेट मुश्किल है बट फर्स्ट टारगेट डेफिनेटली आ सकता है। और मुझे मालूम है कि ड्यू टू कैमरा मेरे ठीक से आ नहीं रहा है बट आई कैन नॉट हेल्प दैट। बैंक निफ्टी एक बार झट से बैंक निफ्टी देख लेते हैं। ओह ये ऐसे कुछ प्रॉब्लम है कि अंदर कैमरा में फॉग जमा हुआ है बट मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, बारिश इतनी ज़्यादा है कि बिकॉज ऑफ दैट ये फॉग जमा है। मैं भी हैरान हो गया कि कैमरा में मैं इतना धुंधला क्यों दिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे फॉग जमा हुआ है नथिंग कैन, यहाँ पे एक तो कपड़े सूख नहीं रहे और कैमरा भी गीला हो गया, बहुत मुश्किल है बारिश में, ओके और बैंक निफ्टी, ओके बैंक निफ्टी क्या कह रही है। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे ऑलरेडी चैनल के बाहर गिर गई है, आज रिजेक्शन मीन्स रीटेस्टिंग ऊपर जा रहा है, तो बैंक निफ्टी आई वुड से इज ए स्लाइटली इन अ बेटर कंडीशन। और बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे 35,150 तक जाने के लिए तैयार है। तो बैंक निफ्टी का गेम बहुत सिंपल है इस बार, दिस इज़ द पॉइंट, ये पॉइंट है जहाँ से आप शॉर्ट के बारे में सोचोगे। ये पॉइंट कौन सा है, 34630, और इसके ऊपर ये पॉइंट कौन सा है तो आप खुद पकड़ लो 35 के ऊपर, ओके 35K के ऊपर आप कहाँ तक का सोच सकते हो, आप सोच सकते हो 35150 और 35350, 35K के ऊपर 35150 और 35350, और नीचे कब जाना है वेरी सिंपल, पुट कब देखना है 34600 के बाद। सो होप आपको ये पसंद आया रहेगा, ओपन इंटरेस्ट कर करेंगे आज नहीं करेंगे, और ये जस्ट मॉर्निंग ट्रेड्स के लिए है, क्योंकि दिन भर में कुछ ऐसे मैंने आपको बताया रहेंगे, हर एक ट्रेड सही नहीं रहता है बट स्टिल बिकॉज आप कहते हो कि ट्रेड दो
तो हम उसके लिए करते हैं, बट देर आर सम स्पेसिफिक पॉइंट्स जहाँ पे हाई मोमेंटम ट्रेड बहुत फास्ट टारगेट अचीव हो सकता है, और हमें वो पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, जैसे आपने आज देखा रहेगा. बट पीपल वॉन्ट टू ट्रेड एंड दैट इज़ द रीज़न वाई मैं बीच बीच में एनालिसिस करते रहता हूँ. बट यहाँ से अगले बार मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा बताने के लिए कि लो कन्विक्शन और वीक ट्रेड, लो कन्विक्शन वीक ट्रेड, हाई कन्विक्शन पावरफुल ट्रेड्स, ताकि आपको खुद समझ में आए कि अगर आपके पास डिसिप्लिन है तो सिर्फ हाई कन्विक्शन पावरफुल ट्रेड्स लेने हैं, लो कन्विक्शन वीक ट्रेड्स इवन दो आपको पसंद है आप कर सकते हो, नहीं पसंद है आप इग्नोर कर सकते हो. टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना एंड सी यू टुमारो अगेन इन अ वेरी फैंटास्टिक सेशन.